मैम नॉन डस्क चॉक नहीं, ऐसे तो लिखा ही नहीं जा रहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपकी हिंदी की क्लास लाइव हो रही है। सभी बच्चे जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भक्ति काल, ठीक है? इससे पहले बच्चों आपने आदिकाल पढ़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। नंबर वन आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। नंबर दो पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। और उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, ठीक है? तो हम आज करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को भक्ति काव्य भी कहा जाता है। और भक्ति काल को बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस युग में साहित्य के अंतर्गत चहुमुखी विकास हुआ था, ठीक है? साहित्य का सर्वांगीण विकास कह लीजिए या फिर चहुमुखी विकास कह लीजिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति काल को किन किन भागों में बांटा गया है और भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि भक्ति काल को किन भागों में बांटा गया है। तो बच्चों भक्ति काल को, ये हो गया हमारा भक्ति काव्य या भक्ति काल। तो बच्चों भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति दिखाई दे रहा है आपको? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, तो इन्हें निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो भक्ति काल को किन दो भागों में बांटा गया है आपको समझ आया? आप बताइए। भक्ति काल को बच्चों मैंने आपको अभी बताया दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो बच्चों निर्गुण भक्ति को भी दो उपशाखाओं में बांटा गया है और सगुण भक्ति को भी दो उपशाखाओं में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सी उपशाखाएं हैं? निर्गुण भक्ति की शाखा है, उपशाखाएं हैं, नंबर वन ज्ञानाश्रय शाखा, और नंबर दो है प्रेम आश्रय शाखा। और इसी प्रकार बच्चों सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और नंबर टू राम भक्ति शाखा। देखिए बच्चों सभी को दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे मैंने लिखा है भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा।
अब मैं आपको बताऊंगी, सब बच्चों को समझ आ रहा है? अब बेटा देखिए, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि किन्हें कहा जाता है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी को कहा जाता है। बेटा ये रख कर दूं? तो बच्चों ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। ऐसे ही बच्चों प्रेमाश्रय शाखा, जो हमारी निर्गुण भक्ति शाखा में दूसरी उपशाखा है, वो है प्रेमाश्रय शाखा। और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जी हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो बच्चों प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है बेटा, तो जो ये दोनों कवि निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो निर्गुण भक्ति शाखा कहा किसे जाता है? निर्गुण भक्ति शाखा उसे कहा जाता है जहां पे ब्रह्म के निराकार, ठीक है, जहां पर निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। जो कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया। तो उसमें कबीरदास जी भी आते हैं और उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी भी आते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि ज्ञानाश्रय शाखा के दो कवियों के नाम बताइए, तो बेटा ज्ञानाश्रय शाखा के आप कवि तुलसी वो कवि कबीरदास जी बोलेंगे, और जो संत रैदास हैं तो वो भी ज्ञानाश्रय कवि के अंतर्गत आते हैं। आपने सुने होंगे रैदास जी ने भी ज्ञान से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे दोहे बताए हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमाश्रय शाखा के एक प्रमुख कवि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है बच्चों, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये तो हो गए, ये फेमस हैं, प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और कभी कभी दो या तीन कवियों के नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बेटा मलिक मोहम्मद जायसी हो गए और कुतुबन हो गए और मंझन हो गए, जो मलिक जो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा अब मैंने आपको ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी बताए, ठीक है, तो अब इनकी रचना भी आपको पता होनी चाहिए कि कबीरदास जी ने कौन सी रचना लिखी। तो बेटा कबीरदास जी का प्रमुख ग्रंथ एक ही है जिसे बीजक कहा जाता है, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक बेटा महाकाव्य है जो बहुत प्रसिद्ध है और उसे पद्मावत कहा गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो जिस ग्रंथ की रचना की, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित ग्रंथ है को
ग्रंथ है पद्मावत। जिस पद्मावत में चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और राजा रत्नसेन का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब निर्गुण भक्ति शाखा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? निर्गुण भक्ति शाखा की जो विशेषताएं हैं, एक तो बच्चों इन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया, इन्होंने गुरु को बहुत महत्व बताया कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। नंबर दो, इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। ठीक है, ये जिस ईश्वर को मानते थे उसका कोई भी आकार नहीं था, कोई रंग रूप नहीं था। और बेटा, इन्होंने बाह्य आडंबर का भी विरोध किया था। किन्होंने? कबीर दास जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। तो ये ही निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध, जाति पाति का विरोध, तो ये सारी आपकी विशेषताएं जो आती हैं ये निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आती हैं। और इसमें रहस्यवादी भावना को भी स्थान दिया गया है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा के भी दो भाग हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और नंबर टू राम भक्ति शाखा। ठीक है बच्चों, तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो बेटा, सभी बच्चों को कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि का नाम आया समझ? बेटा कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कि अटेंडेंस लगाना भूल गए थे और क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भूल गए थे, आप क्लास अटेंड करिए। तो बेटा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था और उसमें उनके बाल लीलाएं और कृष्ण के सगुण रूप का उन्होंने वर्णन किया था। अब बच्चों राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इन्होंने राम जी के ऊपर ही काव्य ग्रंथ रचे थे, और जो तुलसीदास जी ने प्रमुख भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किया था वो थी अवधी। ठीक है, और सूरदास जी ने ब्रज भाषा को अपने काव्य में प्रयोग किया था। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताइए कि
कि निर्गुण भक्ति शाखा को किन दो उपशाखाओं में बांटा गया है? निर्गुण भक्ति शाखाओं को किन दो उपशाखाओं में बांटा गया है? तो बेटा कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, मैं आपको बताती हूं, निर्गुण भक्ति शाखा को दो उपशाखाओं में, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, इन दो शाखाओं में बांटा गया है। अब आप बताएंगे कि सगुण भक्ति शाखा को किन दो भागों में बांटा गया है? बताइए बच्चों, आप सभी को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं? वेरी गुड, विकास कुमार ने बताया है सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दो भागों में बांटा गया है। अब बताइए बच्चों कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे बच्चों सूरदास जी। बेटा आप ये गलत बताया आपने, प्रिया यादव आप बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और वो भी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। वेरी गुड, मैंने अभी आपसे पूछा कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं कौन से हैं, तो आप मनोज शर्मा ने बताया है सूरदास जी। वेरी गुड बेटा, अब आप बताइए कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? वेरी गुड बेटा, प्रिया यादव ने बताया कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं। अब बेटा आप बताइए कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? वेरी गुड, मनोज शर्मा ने बताया है तुलसीदास जी, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। अब बेटा आप एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य है, सगुण भक्ति काव्य धारा है, इसे दो भागों में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया है और इन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की थी। इस भक्ति के जो कवि थे, ठीक है, उसमें एक ऐसे ब्रह्म की उपासना की गई थी जिन्हें हम देख सकते थे, ठीक है, जिनका रंग रूप आकार था। तो आपको यही याद रखना है कि जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की है और जो सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की है। और बेटा अब आपको जब आपसे कभी विशेषता पूछी जाए कि भक्ति काल की विशेषताएं क्या हैं, तो भक्ति काल की बेटा प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें भक्ति भावना की प्रधानता है और इसमें गुरु को महत्व दिया गया है, इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और इसमें जाति पाति का विरोध किया गया है। आपने बच्चों कबीर दास जी का दोहा सुना भी होगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो बच्चों कबीर दास जी ने ज्ञान को अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और गुरु को भी बहुत महत्व बताया है। तो गुरु को क्या कहा है, जैसे कबीर दास जी ने एक दोहा और कहा है गुरु जी के ऊपर, तो उसी में हमें पता चलता है कि गुरु का कितना महत्व है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो बेटा इसमें भी
गुरु को महत्व दिया गया है, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि कबीर दास जी ने गुरु को महत्व दिया है कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। तो अब बेटा, अब मैं आपको एक बार भक्ति काल पूरा बता देती हूँ। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भक्ति काल में, इस काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है, इस काल में जो साहित्य का हुआ था वो सर्वांगीण रूप से विकास हुआ था, वो कला पक्ष से भी और भाव पक्ष से भी। वैसे तो इसमें भावों को प्रमुख महत्व दिया गया था बच्चों, लेकिन इसमें कला पक्ष को भी प्रधानता दी गई थी। ठीक है, सभी बच्चों को भक्ति काल समझ आया? तो थैंक यू बेटा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सुमन मैम, एंड स्ट्रीम कर दिया, एंड स्ट्रीम एंड कर दूं?